Já vem fora, Angu estava batendo com tudo. Gato da ganguta para aqui. Tô tendo angu de altura. Quando o segura que vai? Cudu tá lá no ano que? Tati não é que? Angu está lá, Angu. Sare, Dati. Me chate, yen me anda. Yen me chalando, me cutili. Hã? Tá me anda? Tô segura, Nita? As palavras de albu, você de tudo, tata. As palavras barfa com o tempo, não lambe de logo. Angu está lá, vai. Tore ni pare. अपनी पुंगड़ी पटोली हम जम्मा नहीं छोड़ेंगे। तोड़नी पड़े टंगड़ी तो टंगड़ी भी तोड़ेंगे। अपनी पुंगड़ी पटोली हम जम्मा नहीं छोड़ेंगे। तोड़नी पड़े टंगड़ी तो टंगड़ी भी तोड़ेंगे। अपनी पुंगड़ी पर टंगड़ी वो तुम ना सब पंगड़ तुम ना था तू हाँ लड़े झगड़ा लड़ता नहीं चुन बुबा क्या टंगड़ तुम ना चाहिए अरे मेरा कुछ दादी शुक मर कोड़े बल्द सी वो कानून मंगनो छो ददी बाबूबा तो गाना लगा के तो मंगनो बोझे के लिए जाग और क्या वामा और कोट काटी ले दे टंगड़ो को उड़े के मंगो तो कोई रात क्या भुनन ददी अरे बा मैं भुनो छो कितने भुनन है ना तो भून ले और क्या वाम कोट ले सुप फाड़े के ले और तब खा ले भाई हाँ क्या कर दोना क्या बांध तू ना अरे भूख ने खाने तिला तो खा ले पर ढोड़ में तोड़ भाई काका दादी भूख ना भूख कानून बनो हाँ क्या बाबू भूख अरे दादी एक कानून चना भूख कानून जब बन जान्द ना तो तब अपने जमीन नहीं बेच सकता तब कोई तुम्हारे जमीन नहीं खरीद साकोल उत्तराखंड में बाबू बा तो को खरीदो ना हमारे जमीन पर पुंगर पटल तो बांध होएगी ना कहते बारी कोई कम नहीं के बांध खरीदो ना क्या हमार जमीन कोई नहीं खरीदो ना भाई पर क्या बाबू भूखा हूँ ना हम बताएंगे क्या तेरे जाता चल बोली तेरे को क्या बताना है सभी को बता देते हैं हाँ जी दीदी बुली काका काकी फूफा फूफी सब सुंदर छो तो भूमि कानून को लेके आजकल सोशल मीडिया में खूब बवाल चल रहा है तो सारे लोग लगभग उसका समर्थन कर रहे हैं पर एक दो हैं उनको समझ ना आने की वजह से वो समर्थन नहीं कर पा रहे हैं तो भूमि कानून कोई बुरी चीज नहीं है हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारी जो कृषि वाली भूमि है जिसमें हम राशन पानी उगाते हैं वो कृषि वाली भूमि में 88% कितना होता है 88% 88% पब्लिक जो है वो भूमिहीन की श्रेणी में आ चुकी है अब ऐसे में क्या है जो हमारी जमीन है जो हमारे पूर्वजों की जमीन है जिसमें भले अभी खेती नहीं हो रही है बांझी पड़ रखी है अब बेरोजगारी हमारे उत्तराखंड में इतनी ज्यादा हो गई है कि कल को अभी तो कोई कीमत नहीं है ना जो मतलब पहाड़ी जिले है उनमें जो खेती बाड़ी है जो पुंगड़ी पटली है उनको तो कोई पता दर बीघा भी नहीं ले रहा है लेकिन कल के टाइम पे जब दौड़ भाग होगी शहरों में जैसे कंडीशन चल रही है और हम लोग बाग बाग के आएंगे तो कहीं ऐसे ना हो कि तब तक हमारी पुंगड़ी पटली निपट जाए कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो उसकी संस्कृति के आधार पर ही बनाए जाते हैं मतलब कृषि राज्य बनाते हैं लाइक हम है हिमाचल है ऐसे दो तीन और पहाड़ी राज्य हैं तो वहाँ के लिए स्पेशल कानून होता है जबकि देश में हर राज्य के लिए है कि वो अपनी भूमि से रिलेटेड स्वयं के कानून बना सकता है तो उस कानून के हिसाब से उत्तराखंड में कोई कानून नहीं है और बाकी जितने भी ऐसे राज्य हैं उन सब में कानून है तो अब उत्तराखंड भी मांग रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है सब भाई सब तो मांग रहा भाई और कानून से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें एक दो नियम होते हैं अब ऐसा है ना कि हम भी तो और जगह जाके लेते हैं ना जमीन वमीन देते हैं घर वर बनाते हैं तो यहाँ पे भी घर वर के लिए थोड़ी थोड़ी छूट सबको ही रहती है ना थोड़ी थोड़ी छूट रहती है कि हाँ भाई इतना इतना खरीद लो पर अब क्या होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन है जब लिमिट नहीं होती है तो ये पहाड़ों के पहाड़ों आप जाओगे कि मसूर के आसपास बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं कि वो में पूरे के पूरे ही खरीद लिए हैं लोगों ने ना तो अब कल को क्या होगा कि कोई दूसरी जैसे हमारा गाँव है उसके गाँव के बगल में कोई पता नहीं कहीं से लोग बाग उठा के ले आएगा और अपना गाँव बसा देगा क्योंकि जमीन खरीद सकते हैं लोगों के पास बहुत पैसा है अब पूरे बड़े बड़े गाँव बन जाएंगे तब हमको कचाएंगे हमको डंग देंगे तब कहाँ जाएंगे हम इसलिए कुछ लिमिट में वो लोग जमीन खरीद सके और इंडस्ट्री लगाने के लिए लीज पे जमीन ले सके वही उस भू कानून में आता है तो उसका समर्थन तो हर उत्तराखंड को करना चाहिए उसमें इतने सोचने की जरूरत ही नहीं है सोच क्या रहे हो तुम लोग तो हम कानून का पूरा समर्थन करते हैं टूरिस्टों की इज्जत करते हैं जो लोग रहने के पर्पज से आना चाह रहे हैं ना आम पब्लिक से नहीं होती है दिक्कत जो हड़पने वाले होते हैं ना उनसे दिक्कत होती है तो आम पब्लिक के लिए छोटी छोटी छूट रहती है हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं पर भू कानून इस हिसाब से बनना चाहिए जिससे उत्तराखंड की मान मर्यादा संस्कृति रहे अरे उत्तराखंड लोग पसंद क्यों करते हैं यहाँ की संस्कृति सभ्यता और देवभूमि की वजह से करते हैं ना तो जब यहीं के लोग नहीं रहेंगे जो पूजा पाठ को निभाते हैं जो करते हैं जो समझते हैं जिनको पूर्वजों की बातें पता है नियम कानून पता है मंदिरों का अध्यात्म पता है जब वही लोग नहीं रहेंगे तो फिर संस्कृति कहाँ रहेगी तो वो तो पूरे देश का ही नुकसान है इसलिए जरूरी है कि हम लोग उस चीज का समर्थन करें और उसमें ज्यादा ना सोचें किसी से कोई
कोई भेदभाव नहीं है, थोड़ा थोड़ा छूट सबके लिए रहती है। बस दिक्कत हथियाने वालों से होती है और उन हथियाने वालों को डंग जाने के लिए कानून है, तो इसलिए कानून का समर्थन सब करो। हाँ बाबा मैं लाता हूँ समर्थन करो भाई, और हम तो पूरा समर्थन कर दो। अरे अबूबा तुम लोग तो दूर रह दो, अब कहीं ते तो पते नहीं बुब्बा दादा कभी रहा था या खरुख चल गिन तो पते नहीं जमीन का तो क्या बुबा हम गो मैया कुल को हैं हमारी सोचो। अब वो कानून करो भाई सपोर्ट करो, जो तो समझम नहीं आओ वो फेसबुक फूसबुक हम खूब लोग डरना चाहिए, पहले आओ पर समर्थन करो सब करो बुबा, वो कलेक्टर बन जाए यहाँ तक कलेक्टर। चाहे तोड़नी पड़े टंगड़ी तो टंगड़ी भी तोड़ेंगे, अपनी पुंगड़ी पटूली हम किसी को नहीं बेचेंगे। तमिलदार थे कि गपरो पहाड़ी कॉमेडी यूट्यूब चैनल में बाल बटे की पुरानी सीरीज की रेगुलर वीडियो को तो बोलो बॉडी पार्टी की जय।